दोस्तों, एक दिन अचानक से समुद्र के किनारे एक मरा हुआ विशाल आदमी पानी के तेज बहाव की वजह से बहकर आ जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि इस विशाल का वजन लगभग 80 टन के आसपास हो सकता है। उसके हाथ में एक छोटा तालाब बन जाता है और उसमें मछलियां तैरने लगती हैं। शहर के लोग पहले तो उसके पास जाने से घबराते हैं, लेकिन जब एक लड़की उस पर चढ़कर हाथ हिलाते हुए उन्हें बताती है कि उसके नजदीक आना सुरक्षित है, सभी लोग दौड़ते हुए उस पर चढ़ जाते हैं। बच्चे उसकी छाती पर खेलने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसका शरीर रबर की तरह लचीला है। धीरे धीरे लोगों की रुचि उस पर से कम होने लगती है और शाम होने पर सभी अपने घर लौट जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और अब बड़े लोगों की रुचि उस पर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सिर्फ कुछ बच्चे उसकी छाती को झूले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ कसाई उसके शरीर को काटने की सोचते हैं। ये आदमी बिना कुछ बोले ये सब देख रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोगों की इन हरकतों से बहुत निराश है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विशाल का शरीर सड़ने लगा था। आदमी को लगता है कि ऐसा समुद्र के पानी में ज्यादा समय तक रहने की वजह से हो रहा है। आखिर में आदमी हिम्मत जुटाकर विशाल पर चढ़ जाता है। वो देखता है उसकी आंखें धुंधली हो गई है। अगली बार जब वो वहां आता है तो देखता है कि विशाल के शरीर पर बच्चों ने कलाकारी कर दी है और कसाईयों ने उसके हाथ पैर काट लिए हैं।